हम लोग का कॉल थानसा का था. मैनी टाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज मेक अलायंसेस ओनली बिफोर इलेक्शन, बट वंस इलेक्शन इज ओवर नोबडी टॉक्स अबाउट थानसा, नोबडी टॉक्स अबाउट दोफा, नोबडी टॉक्स अबाउट यूनिटी. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट द INPT इन देयर विजडम हैज टेकन अ decision on behalf of not themselves but the entire community. And yesterday Bijay Rankhol, Jagdish Dev Barma, Shiv Charan Dev Barma, Ratish Tripura, the entire party, the senior leadership, Jyotish Jamatia, they all came and met me, some other senior leaders there as well. Aur unhone decision liya hai कि फ्यूचर में त्रिपुरा एंड INPT शुड बी वन सिंगल एंटिटी. ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि आज से 6 महीने पहले त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 8 to 9 पार्टीज था. आज मेजर पार्टीज में जहाँ तक मुझे लगता है देर इज़ ओनली 1 or 2 parties left in the regional front. I will also like to thank Chittu Babu, jisne ye pura initiate kiya tha initially, jab unhone apna party TSP ko Tipra ko ek platform diya. Buddhu Dev Barma, IPFT Tipraha, jisne apne khud sacrifice kiya. Yahan mein TYPC ka chairman hai, ex-chairman hai, unhone sacrifice kiya hai. And we became Ranjit Dev Barma, which is a part of our thing. Animesh Dev Barma is here. Hamara CM, the young and dynamic Purno Chandra Jamatia. Our senior loyal members like Shidham Dev Barma. We have Rabindra Dev Barma. Hamare EMs hai, Bhavaranjan Riang. Hamare paas Suhail Dev Barma hai. All the young EMs, Guru Padma Dev Barma, Kubuiti Jamatia. I want to thank everyone ki aaj this is historic, indeed historic, ki the oldest political party in Tripura has decided for the interest of the Tiprasa community, for the interest of our combined goal of greater Tripura land, to come together and work as one single entity. Tipra party, as a chairman, I have welcomed this step. And हम लोग आने वाले दिन में एक पार्टी होकर एक आवाज़ में अपने दोफा के बारे, अपने स्टेट के बारे, अपने राज्य के बारे, हम लोग एक आवाज़ में एक प्लेटफॉर्म से, अलग अलग फ्लैग से नहीं, सिंगल फ्लैग से, सिंगल पार्टी से हम लोग आगे चलेंगे. 70 साल से हमको डिवाइड किया गया है, अलग पार्टी के नाम में, सरनेम अलग हो तो उसमें डिवाइड किया गया है, अलग कम्युनिटी में डिवाइड किया गया है. लेकिन जो हमने पिछले 6 महीने में देखा है वो प्रूव करता है कि अगर हमने अपना ईगो को नहीं रखा, हमने अपना अहंकार को नहीं रखा और हमने कम्युनिटी के बारे बात किया, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आई सल्यूट Bijay Rankhol. Bijay Rankhol और मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप है. आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू Bijay Rankhol. माय फादर न्यू Bijay Rankhol. राजमाता नोज Bijay Rankhol. जगदीश बाबू, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर कमिटमेंट. इलेक्शन के टाइम बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बट Bijay Rankhol's कमिटमेंट टुवर्ड्स मी पर्सनली, जगदीश बाबूज कमिटमेंट, यहाँ में उमा शंकर है, हिज कमिटमेंट, दादा MDC फ्रॉम INPT, उनका कमिटमेंट हमारे तरफ कंसिस्टेंट रहा. टू ऑल द मीडिया, आप लोग हमेशा पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि पॉलिटिशियंस लोग इलेक्शन के पहले हाथ मिलाते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भूल जाते हैं. ये शायद पहला अलायंस है, ये शायद पहले बार अलायंस हुआ है, अलायंस को छोड़कर हम लोग एक हुए हैं इलेक्शन के बाद. इसका मतलब एक ही है कि वी आर एक्सट्रीमली कमिटेड to the cause of our people and to the cause of our state.
दिस इज यूनिक बिकॉज दिस इज पोस्ट पोल अलायंस. व्हेन वी इज ऑलरेडी अलायंस नाउ देयर इज अ पोस्ट पोल यूनिफिकेशन एंड नोबडी नो पार्टी इज बिग. आज त्रिपुरा का ज्यादा एमडीसी हो सकता है लेकिन यहां में कोई पार्टी बड़ा नहीं है, कोई पार्टी छोटा नहीं है. वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल सेम एंड एवरीवन इन दिस न्यू प्लेटफॉर्म पार्टी विल बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पेक्ट. ये मेरा गारंटी है टू एवरी मेंबर ऑफ ऑल द पार्टीज. आई वुड होप दैट विजय रंखोल ऑल्सो एंड जगदीश देव वर्मा ऑल्सो पुट इन सम वर्ड ऑफ देयर ओन. विजय बाबू Good morning, Pungkaham, everyone. So today, a new day for us. I thank His Royalness, Maharaj Pradut Kishor Manika, the Chairman of Tipra Motha, and my General Secretary, Honorable Chairman of TTIADC, Mr. Jagadish Dev Verma, and all other functionaries of different regional political parties. We are together here. I also thank CM, EMs, and all the elected MDCs, print medias, everyone here, including our all functionaries of regional parties. So we kept on discussion, assuring each other with Maharaji also. We wanted pre, but one thing I spoke there, it can be better post-poll also. One may win, one may lose, but our grievances come never end. Therefore, we being placed minority against our own will on our own soil, and it gives us more impression and strengthen us to disobey the arrogancy and other some instrument which want to divide us. Today I feel very joy, full of joy, and I find every face of the print media's friends also charming. Some may not be very happy, but everyone is very conducive to the issue. And you all want that the change of the state should come at the earliest possible. The first change had been brought under the leadership of our Maharaj Pradyut Kishor and all other functionaries of different regional parties. I do not remember all the names, but I know everyone, those who sacrificed their life. And today we would be happier if we could have some other elders and friends who begin to fight for our existence in Tripura. Unfortunately, we miss them today. They are no more with us. Some are still there. They are unable to move from their seat, from their bed. And we're so happy that under the leadership of our Tipra Motha chairman, Maharaj Pradyut Kishor, that the ADC has been attained. And we really fought for the ADC. Socially, we had been boycotted at the time of communist regime in our land. We could not use one well to draw drinking water. Our student, girl students, were expelled from the school when they used to wear their own clothes. Our cockborough was not allowed to speak in any institution. We were beaten to forget our own mother tongue. We came across all these difficulties times and all these impediments we have to come across. Today, we can speak freely with any other citizens, and we feel proud today. And I wish this effort will continue, and our heart and mind and self-determination spirit, right for the last 55 years, I've been struggling my whole life. Today, I would be the happiest man to see the younger generation coming up with their motive and sacrifice
and accepting the truth. So today, I hope my old colleagues, senior colleagues, and our dynamic leaders, those who are ruling, running the administration of TTADC, will be newly inspired today also and work hard so that we can make our society free from corruption, and we can also work for the needy people, those who really need, and we can fight our way. Many are impediments coming on our way of administration. We live peacefully. We live a life of freedom. We want to live a life of various evil spirit, because everything is coming across our people also. Those who have a lot of problems, they will be describing this or that. But we would like to make understand every individual, those who really think for the advancement of the society. It can be termed as the area, TTADC, but we are equally concerned for the entire state, those who are economically weaker section. Weak is weak, poor is poor. Poor never described separately, either be it Mongolian, Aryan, Dravidian, or European. It's all the same. So we came from that background. We started our struggling life in years back, 1965, when many of you were not born. Many of you were small boys or girls. But today, we're all grown up, and I'm happiest man at this age, touching almost 76, and still living as a statue, as a man. I don't claim myself to be a legend standing alone, but you are all my colleagues, younger stars. And I wish you will today change your mindset so that you can be an instrument for the development, for the advancement of our society, those who are trailing behind economically, educationally. So today, once again, I thank every individual leaders here from different regional parties, because I have very short memory to name all of them, but equally I'm grateful for all of you today. And I wish, I pray to God, so that God will bless each one of us, those who are really carrying the clean heart. We want to build our society, building on the rock, not on the sand. If we build our house on the sand, it will break easily. So we want to build our society on the rock, with very strong. The wind may not blow. Any kind of temptation may not break it away. So thank you so much. God bless all of you. Thank you so much. There is a press statement which is out, which we'll distribute to all of you all, so that you all know that what is it that we stand for. As Bijay Babu has said, our foundation is based on solid grounds and not on sand, because we are firm to our commitment towards the state and our people and our eventual goal of Greater Tripura Land. Let me remind all our media friends that it has not been very easy for all of us. We have worked very hard. I would particularly like to thank those who are here, and maybe one or two individuals who are not here. Buddha Babu is not here today. Agur Babu is not here today. But they have also worked very hard, and I would like to give a special mention to them. To all the other parties who have not come, the door is always welcome. I'm still hoping that the other parties, if they feel that what we are standing is right, then unke liye darwaza hamesha khulla hai. Wo koi bhi time aakar mujhse milkar hamare sang aa sakte hain. Koi ko koi bada nahi hai, koi chhota nahi hai. Main sab ke liye intezar kar raha hun. You are most welcome to join all of us to become one unit. If there is any question, please ask. मैं वेस्ट बंगाल के बारे अभी नहीं बोलूंगा, वो अलग. उसका प्रभाव आप कैसे देखते? वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन वेस्ट बंगाल है, वो अलग स्टेट है. त्रिपुरा एक अलग स्टेट है. हम वेस्ट बंगाल को देखकर अपना राजनीति नहीं करते हैं. हम अपने त्रिपुरा के लोगों को और अपना
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर ही राजनीति करते हैं। वेस्ट बंगाल का बारे में बात इस समय नहीं करूँगा, ये मर्जर का बात है बिटवीन INPT एंड तिपरा मोथा, इसके बारे में बात करूँगा। No question, then over. My question to BK sir, why did it take you so long? Since you were already in an alliance with Tipra Matha, you both fought the election together. Now, after winning the election, you have taken a decision. It's a big decision for you because INPT is one of the oldest party in Tripura. Now, merging with Tipra, how do you see it? No, this is the, as we have already described, the situation. Because it is for the people of the state. Therefore, we felt that it may be appropriate step to come together. So some other peripheral issues are there. We'll be sorting them out. And this is, we have decided yesterday in our Central Executive Committee, and we will be referring to our bigger bodies also. We have constitution. We'll be minimizing and taking all our people of the state, those who are adherents to our INPT, so that we can come all together. And it's not very difficult for us because we base on situation. Therefore, it's nothing for us. It may be all because INPT represent TUSS, TNV, IPFT. And it represent present TIPRA also. They are not away from the circle of our people, so I think they will also understand, and they understand already. That's why we are going to make some other arrangement, because it started today. It may take a few more days to settle everything, the functionaries of the party, and how we will carry on, how we will invite others also. So it's not difficult for INPT alone, because we remember, and it is the deepest concern for me especially, to come out of my TNV, TUSS, INPT. But it's nothing for the equal rights, for the interest, if we can resolve. Otherwise, the situation, the problem will continue. If the problem can be resolved by coming together, that may be the goal of the any political party. Political party doesn't mean that we cannot change our parties. We keep on changing for common issue. And here we are merging. We are not changing, we are merging. We are merging together. So it's not so much of difficult mentally also. Because we know how to digest any issue coming on us or against us. Therefore, we are still surviving today. Also, thank you. Would you like to say something to N.C. Babu, your old friend from this forum today? For N.C. Babu, he was with me. He was government employees at the central government. He became director after TNV signed an accord. He was, I think, announcer of Kogrok. He was very good announcer. His tune is very popular. So we love it. And we still love and respect him as one of the eldest fighter. But we do not know his present position now, whether he's still with the interests of the state, including the Tiprasa. But if he still continues, then we hope he can change at this age also. I am changing my mind when it is necessary. It doesn't hold my age, it doesn't hold my position. Therefore, we are flexible for situation. So we are still respecting him. He may not, I think, remember, but we still remember him. We welcome him also. Yeah? All right. Okay. I think it's okay. महाराज वो आपने बोला था कि दिल्ली के साथ बात करेंगे एक ग्रेटर सिग्नल के बारे में आफ्टर इलेक्शन, हां तो अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हां हां डेवलपमेंट हुआ है, और हम लोग एक संग बैठ के बात भी करेंगे, और दिल्ली में मैंने मैसेज भेज दिया है कि हमको दिल्ली में आकर बात करना है ऑन दैट स्पेसिफिक इशू। दिल्ली ने भी इंडिकेट किया है, मुझे डायरेक्टली इंडिकेट किया है कि वो बात करेंगे होम मिनिस्ट्री से। अब टूरिज्म मिनिस्ट्री से तो ये बात नहीं कर सकते हम लोग, होम मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री से इंडिकेशन आया, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ में कोरोना चल रहा है और ये पैंडेमिक हो गया, उन्होंने कहा था बंगाल इलेक्शन के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये हो गया तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ में भी दिन के रो आज पीपल ऑलमोस्ट 4,000 पीपल हैव डाइड,
सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी अंडरस्टैंड दैट. बट हमने जिस दिन हम जीते उसके दो दिन बाद ही हमने दिल्ली में ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया और दिल्ली से भी हमें कम्युनिकेशन मिल गया है कि इस विषय में हम लोग बात करेंगे. वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आइडियोलॉजी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी. और एक लास्ट चीज़ है, थ्रू मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट्स आए हैं कि कहीं कहीं जगह में कोई लोग तिपरा मोथा या INPT के नाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं. हमने सबका नोट ले लिया है, स्टॉक ले लिया है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच नॉनसेंस. क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स है और मैंने अपने पार्टी मेंबर्स को क्लियरली इंडिकेट कर दिया बिकॉज पार्टी का फिर रीजनरेशन होगा बिकॉज INPT एंड तिपरा इज गोइंग टू बिकम वन. तो पार्टी का वो कॉन्स्टिट्यूशन और अकोमोडेशन में हम लोग को करना पड़ेगा. बट हम लोग कोई भी अगर एक आदमी भी अगर तिपरा मोथा के नाम में चंदा उठा रहा है तो मैं जनरल पब्लिक को बोलूँगा कि एक रुपया नहीं देने के लिए. ये लोग महाराजा का नाम लेकर अपना फ़ायदा देख रहे हैं, डोंट कोऑपरेट विद देम. और तिपरा मोथा का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगा अलॉन्ग विद टॉक विद INPT हम लोग करेंगे. ऑफिशियली होगा, थ्रू प्रेस रिलीज होगा. कोई भी जाकर अपने आप को तिपरा का लीडर बोले उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए. ऑफिशियल लेटर यहाँ से जाएगा आफ्टर टॉकिंग विद चित्तू बाबू, हमारे CM विजय रामखोल जी, अनिमेश इज दे, श्रीधाम इज दे, जो भी सब सीनियर लीडर्स है, रविंद्र बाबू इज दे, सबसे बैठकर हम लोग बात करके देन वी विल मेक एन अनाउंसमेंट. ऑल्सो माई लास्ट क्वेश्चन, यू हैड प्रॉमिस्ड प्रायर टू द इलेक्शन दैट वंस तिपरा मोथा इज कमिंग टू द काउंसिल इट विल पास अ रेजोल्यूशन फॉर द ग्रेटर तिपरा. यस, वी हैव ऑलरेडी पुट दैट इन द एजेंडा. वी हैव ऑल्सो पुट इन द एजेंडा टू वर्क फॉर अ सिंबल फ्री village council election. We don't want to polarize villages in the name of BJP, IPFT, Tipra, Congress, CPM. We want to have the villages where there's true democracy, not party-based village councils. We have also asked for a lot of things to be done with, like setting up of more autonomy to the autonomous district council. Aaj ke din, ADC, hum log pura kagaz mein gaye hain. We have seen the expenditure of the previous MDCs, the EMs. हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं और इसमें जो भी फजूल का खर्चा हुआ है, जो असली खर्चा हुआ है पिछले 10 साल से 5 साल से, वो हम लोग वेबसाइट में डालकर पब्लिक डोमेन में रखेंगे. आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज के दिन ADC में 85% पैसा जो आता है वो सिर्फ सैलरी में जाता है और डेवलपमेंट में नहीं आता है. ऐसा करने से हम लोग क्या हेल्प कर सकेंगे अपने लोगों को. इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल्स है ये वेबसाइट में आए, पब्लिक नॉलेज में आए और आप मीडिया लोग भी इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए. आज एक स्कैम चल रहा है TTADC के नाम में, क्योंकि हमने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है. हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है और 9,50,000 आदमी को वंचित जैसा था वैसे ही रखा है. हम ये सबको चेंज करना चाहते हैं. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, यही बात हुआ है कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा चाहिए, तो आप श्रेष्ठ त्रिपुरा और एक त्रिपुरा 70% ऑफ ADC को छोड़कर नहीं कर सकते. तो हमने बताया है कि ये लकुनास है, ये प्रॉब्लम्स है ADC में. आज के दिन TTADC एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो चुका है, डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हो रहा है. आज हम सैलरी में ज़्यादा खर्च करते हैं और आम जनता के ऊपर एकदम कुछ खर्च नहीं करते. तो इसी के लिए मैंने जाके ये पूरा CM को दिखाया है और CM से हमने कोऑपरेशन का मांगा है. हम यहाँ में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो. TTADC में तिपरासाज हैं, बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, मुसलमान हैं, हम सबका डेवलपमेंट चाहते हैं जो भी TTADC में रहता है. और जब तक ये डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हम पब्लिक को नहीं बताएं कि असल में पिछले 15-20 साल में क्या चल रहा है. और जो मैंने कागज़ में देखा है, जो मैं वेबसाइट में लाना चाहता हूँ, जो पब्लिक नॉलेज में लाना चाहता हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा चल रहा था इतने पिछले 15-20 साल में. वन मोर थिंग, आई थिंक दैट पॉइंट हैव टू फर्दर क्लेरिफाई अबाउट द अनस्क्रूपुलस पीपल इन द नॉर्मल. और एक लास्ट बात है, हमारा जो कमेटी बनेगा INPT तिपरा एक ही हो जाएंगे हम लोग, ये थोड़े दिन का बात है. लेकिन कोई भी लोग गुंडागर्दी करे, कोई भी लोग चंदा उठाए हमारे नाम में,
इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये कमेटी जो निकलेगा ये ऑफिशियल स्टेटस से निकलेगा। मैंने बहुत सुना है कि बहुत लोग जो दूसरे पार्टी में थे आज तिपरा में घुसकर गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को जो उसने ये सब किया है, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट फॉर्मेशन ऑफ आर कमेटी, एंड पीपल हु आर जेन्यून वर्कर्स ऑफ तिपरा मोथा, जेन्यून वर्कर्स ऑफ ऑल पार्टीज हु आर कमिंग टुगेदर एज वन, इंक्लूडिंग INPT, इन TSP, ओरिजिनल पीपल हु हैव वर्कड विद अस, हु हैव फॉट फॉर द आइडिया ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड will be accommodated and not people who are criminals who are trying to divide and spoil the good image and the good name of our organizations. Maharaj, kuch thanon mein aisa allegation aaya hai ki state government ka jo office hai wo ADC area mein nahi reh payega, aisa karke kuch thanon pe kuch aisa allegation aaya hai, kuch news mein bhi aaya hai. Kya स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ब्लॉक BDO है, BDO का ऑफिस है, ऐसा कुछ ऑफिस है ना जो ADC एरिया में रहता है, वो नहीं रह पाएगा, ऐसा करके कुछ लोगों ने कुछ विरोध भी जताया है। अच्छा, किसने ये कहाँ से अभी अगर कोई ऐसे ही बोल दे किसी को कम्युनल सिचुएशन कराना है तो वो बोलेंगे, कुछ लोग नहीं, एक सेक्शन होगा। हाँ, ये सब चीज देखिए, ये सब चीज में आप लोग इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। सी, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ओके, दिस इज नॉट पॉलिटिकल इशू। स्टेट गवर्नमेंट एंड ADC एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल सिट टुगेदर, वी विल सिट टुगेदर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए, हमने अपने पार्टी में वन मैन वन पोस्ट किया है, द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू विल बी हैंडल्ड बाय CEM, EMs जो यहाँ में है। The political issue, the party issue will be handled by people like us. So we have done a clear separation of legislature administration from politics, party. Main isi ke liye bol raha hu, you had asked a question for the other party. The problem in another parties are that the president and the general secretary are also the ministers. Aaj agar wo log thoda sa soche to shayad growth ho party mein. Sabke bare bhi sochna chahiye. Thank you. Well, I know Hambai. Hambai.